हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भद्रतुंगा धाम से, जहाँ पे बनने जा रहा है हमारे कुमाऊँ का पांचवा धाम और यहाँ पे हो रहा है कुर्बांचल लघु कुंभ। आपने फर्स्ट दिन मुझे देखा यहाँ पे जब कलश यात्रा हो रही है और मंदिर में हवन यज्ञ की तैयारी हो रही थी, और आज है अंतिम दिन। तो इन 9 दिनों में मैं सिर्फ 9वें दिन आई और पहले दिन आई, इस बीच में नहीं आई। जो आपने कई ब्लॉगरों के माध्यम से आपने देख लिया होगा, और पीछे हवन यज्ञ हो रहा है। हम सुबह सुबह 6:30 बजे घर से निकल आए थे और यहाँ पे 8 बजे पहुँचना था। हवन यज्ञ की तैयारी में भैया और दीदी बैठे हैं और कई गाँव के ग्राम प्रधान लोग भी आज हवन यज्ञ में शामिल हैं। अभी सभी संत महात्मा लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, तो भद्रतुंगा धाम के दर्शन कराते हैं और पूरी जानकारी यहाँ की आपको देते हैं, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग। तो ये देखो सुबह सुबह दुकान के लिए आ गए हैं। अभी आए हो? अभी आए हैं, सामान लाए हैं, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कहाँ से? बागेश्वर से? अच्छा, तो देखिए सुबह सुबह ना सारे डस्टबिन वगैरह साफ करके रखे हैं, फिर दिन में ये पत्थर डालने के काम आएगा। अभी ऊपर को भी ले चलते हैं आपको यहाँ को। तो महाभंडारा आज यहाँ पे हो रहा है और इसके लिए सारी तैयारी यहाँ पे हो रही है। सभी गांव वाले मिलके साग सब्जी बना रहे हैं और आधा तो बन भी गया है। देखिए ऊपर को हम नहीं जा सकते और यहाँ से आके पूरा लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है भंडारे की तैयारी हो रही है। सभी गाँव वाले अपना अपना काम मिल बांट के कर रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो पूरा पंडाल खाली है, देखिए। और अभी बाबा जी लोग आएंगे, संत ऋषि मुनि लोग जी आएंगे, तो यहाँ पे बैठ के वो अपने प्रवचन देंगे और सभी साधु संत यहाँ पे बैठ के प्रवचन सुनेंगे। तो चटाइयाँ भी फोल्ड कर रखी हैं, तो कुछ इतना बड़ा पंडाल यहाँ पे है, परसों नहीं दिखा पाई मैं। कैसा लगा? हाँ, तो देखिए मंदिर की सीढ़ियाँ भी ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखे हैं। सभी जगह झंडे लगे हैं भगवा रंग के, और सामने पूरे सीढ़ियों में देखिए आज पूरा घाट वाला एरिया जो है उसमें पूरे दिए रख रखे हैं, और जिसमें परसों पंचमी के दिन यहाँ पे जो है 2100 दिए जलाए थे पूरे। देखिए ओम बनाया है और स्वास्तिक बनाया है, और पूरे सीढ़ियों में इस तरह से दिए जला रखे थे, तो वो अभी तक उन्हें साइड नहीं कर रखा है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा उस दिन यहाँ पर का दिख रहा था। तो मंदिर में पहुँचने से पहले हम सरयू मैया का स्नान करेंगे, पंच स्नान, और स्नान भी कर सकते हैं लेकिन कपड़े वगैरह नहीं लाए हैं, और पंच स्नान करेंगे और माता की पूजा करेंगे, तो वही हम करते हैं। सामने कितने बुजुर्ग लोग भी स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं इतने ठंडे पानी में। सिर में डालो 5 बार, 2 हाथों से। तो दोस्तों ये आने वाले समय में ये घाट जो है हमारा सरयू घाट वो हरिद्वार से भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे काफी ज्यादा अभी लाइटिंग वगैरह कर रखी है, झंडे वगैरह लगा रखे हैं, तो काफी सुंदर ये लग रहा है। देखो लंबा चौड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जगह जगह में आग जलाने के लिए ऐसे कुंड टाइप के बना रखे हैं जिनमें जो है आने वाले समय में श्रद्धालु स्नान करेंगे और आग सेकेंगे। सुबह सुबह हवन की तैयारी शुरू हो गई है, अभी हवन शुरू होगा थोड़ी देर में। भैया और दीदी भी तैयार हो गए हैं हवन में बैठने के लिए, और यहाँ से पूरी हवन की तैयारी हो रही है। आज सारे ग्रामधार सभी गांव के ग्राम प्रधान हवन में बैठेंगे। तो चलिए हम भी मंदिर की पूजा पाठ कर लेते हैं। सुबह सुबह मंदिर परिसर का माहौल कुछ इस तरह का रहता है, सभी पंडित जी लोग आ गए हैं पाठ करने के लिए, तो सभी मंदिर दर्शन करते हैं। तो आज मंदिर दर्शन अच्छे से हो गए हैं सुबह सुबह। तो हमने मंदिर में पूजा पाठ भी कर ली है, और यहाँ पे ये पूरा बैनर लगा हुआ है, स्कंद पुराण में सहस्त्रधारा को का जो महत्व है वो यहाँ पे है, और इसका पूरा वर्णन है स्कंद पुराण के इस पृष्ठ संख्या में इसका वर्णन किया गया है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। का
तो अभी हम पहुंचे मंदिर में, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, जो शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है। और ये मूर्ति हमारे जो गांव की पुष्पा टाकुली जी हैं, उन्होंने पर्सनल वे से इसको दिया है। भैया ने बताया यहाँ पे जो पूजा पाठ करा रहे हैं तो उन्होंने ये दे रखा है। इतनी सुंदर सी, इतनी दूर वाली जगह में भी इतनी सुंदर मूर्ति रख रखी, तो ये गाँव के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मूर्ति काफ़ी सुंदर है और धीरे धीरे तो अभी धीरे धीरे सभी श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे पारंपरिक परिधान में, घाघरा पिछौड़ा पहन के, तो कलश लेके भी आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, जल चढ़ाएंगे। तो अभी सभी श्रद्धालु जो हैं हवन यज्ञ में बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं माता की, और यहाँ पे माता की मूर्ति स्थापना कर रखी शायद, तो वहीं पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं सभी संत महात्मा लोग जो भी हैं, वो पूजा कर रहे हैं। हेलो, पहला वाला क्लिप फट गया था वो, अरे इसमें वॉइस नहीं आई। अच्छा, मेरा भी माइक से शूट किया था मैं। मेरा भी अभी ऐसी हुआ, कितने वीडियो बना लिए वो तो माइक ऑफ है। अच्छा, तब जाके अभी सुबह आ गए थे हवन यज्ञ में बैठे ना भैया लोग, दिक्कत होने लग गई। आजकल अभी मुलाकात करते हैं, अभी इनका थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, तो यहाँ से परसों मैंने आपको पंडाल नहीं दिखाया था, तो पंडाल इधर को है और यहाँ को पूरा स्टेज लगा है जहाँ पे संत ऋषि मुनि लोग आके अपने प्रवचन देंगे। और जो हमारे यहाँ के महाराज जी हैं और उनके साथ में अयोध्या से आज आए हैं संत हनुमंत संत, जो उनके अयोध्या से आए हैं वो आए हैं, तो वो प्रवचन देंगे। जो पंडाल है कुछ इस तरीके से सजा रखा है, तो आपको एक एक चीज़ वहाँ की दिखाती हूँ मैं। तो आगे को कुछ इस तरीके से सजा रखा है, और ये रही सामने हमारे पुण्यदायिनी माँ सरयू, और ये स्कंद पुराण में जो सहस्त्र धारा का वर्णन किया गया है इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो आपने देखा मंदिर परिसर तो कितने सुंदर तरीके से सजा रखा है, साथ में ही हमारा जो घाट वाला परिसर है ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है। और देखिए कितना सुंदर लग रखा है, यहाँ पे लाइट की माला वगैरह जो है सभी अच्छे से लग रखा था। और तो अभी सभी अतिथि तो इस साइड को साफ सफाई होने लग गई है, अभी संत महात्मा जी आएंगे तो वो प्रवचन करेंगे। और सभी श्रद्धालु भी पीछे तक बैठ गए हैं, तो ताई जी को भी बुलाते हैं और बैठाते हैं यहाँ पे। तो सभी पारंपरिक परिधान में यहाँ पे कलश यात्रा के लिए खड़े हैं, और हमारे बीच आए हैं आज मोदी जी के भाई जो यहाँ पे सरयू आरती कर रहे हैं सामने। तो दोस्तों आज तो गजी भी हो गया है, मोदी जी के भाई जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर तरीके से कलश यात्रा के साथ सामने हैं हमारे ये मोदी जी के भाई, और उनका स्वागत हो रहा है भव्य तरीके से। भद्र तुंगा धाम लेनु तेरो नाम, भद्र तुंगा धाम लेनु तेरो नाम, रख सकरिए रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान। तो इस बार अभी राम राम, नमस्ते भैया, धन्यवाद भैया, हरिद्वार से, थैंक यू सो मच भैया।
अच्छा अच्छा। तो दोस्तों सुबह सुबह भंडारे की जो है शुरुआत हो गई है और इस बार अच्छे से बिठा के खिला रहे हैं, इससे सही रहता है कि भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होती है। हेलो। तो दोस्तों रास्ते में जब भी कुछ बोलने की कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, आगे पीछे से बहुत से सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लास्ट है और मैं चल रही हूँ मामी के साथ। ये मेरे मामी लगते हैं आश्रम में, मामी मुझे आश्रम दिखाएंगे आज। और जो मामी बहुत समय से बहुत सालों से जुड़े हैं महाराज जी के साथ, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आश्रम में देखते कितने ठहरे हैं, कौन कौन है, आपको दिखाते हैं।